गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर बिहार में सियासत गर्म है। पूरे मामले में एनडीए की तकरार जगजाहिर होती दिखाई दे रही है। एक तरफ गिरिराज सिंह हिंदुओं के स्वाभिमान के लिए बिहार में यात्रा निकाल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जेडीयू की तरफ से इशारों में गिरिराज सिंह की यात्रा पर बड़ा हमला बोला गया है। जेडीयू की तरफ से उनके प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि नीतीश कुमार तो सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि सबके लिए काम करते हैं। कोई काहू मगन हम मगन हैं कि राज्य के हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो जाए। 10 रुपया प्रति महीना में हर जिले में इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं। मिल्लत का माहौल रहे, सद्भाव का माहौल रहे, जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास सब जगह चल रहा है और संविधान ही हमारे लिए बाइबिल है, कुरान शरीफ है, रामायण। पूरे मामले पर जहां बीजेपी की तरफ से गिरिराज सिंह की यात्रा को प्रमोट किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से भी निशाना तेज है। गिरिराज दा का जो यात्रा होगा उसमें तो वो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको समीक्षा करनी होगी, राज्य के विकास की चिंता करेंगे, देश के विकास की चिंता करेंगे और उनका ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में जो काम उन्होंने किया है वो सभी लोग को पता है कितना बेहतर काम उन्होंने किया, उसका लाभ बिहार की जनता को मिलेगा। मुसलमान भी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि राष्ट्रीय जनता दल और ये महागठबंधन के लोग इनको कभी लाभ देने वाले नहीं हैं। आज तक कभी डिप्टी सीएम का पोस्ट भी नहीं दिया। सिद्दीकी जी को खा गए, तस्लीमुद्दीन जी को खा गए, साहबुद्दीन जी को खा गए, सारे मुस्लिम समाज के बड़े बड़े जो चेहरे थे जो भविष्य में बड़ा बन सकते थे सभी को स्वाहा कर दिया गया महागठबंधन में। इसलिए कोई मतलब नहीं है। बिहार के मुस्लिम समाज के लोग को इतनी समझदारी है कि ये महागठबंधन वाले उनकी चिंता नहीं करते हैं, उनके वोट का वो हिंसा फैलाना चाहते हैं और नफरत फैलाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आजाद कराया था। इनके कुछ करने से कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है और ये चाहते हैं नफरत पैदा करना। नफरत पैदा करना बीजेपी का काम है और हमारा काम है सद्भावना पैदा करना और देश में सद्भावना लाना और बिहार में सद्भावना फैलाना। बता दें कि गिरिराज सिंह यात्रा पर निकल रहे हैं। उनकी यात्रा की शुरुआत भागलपुर से हो रही है और उनकी यात्रा खत्म किशनगंज में होगी। गिरिराज सिंह की यात्रा पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं।